हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर रूप किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के द्वारा पीएचडी में एडमिशन के लिए पीएचडी एडमिशन नोटिस 2024 के संबंध में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरह की नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड टू अपियर इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म बिटवीन 1 मार्च 2024 to 15 मार्च 2024। यानी कि जो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2024 तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और लेट फीस के साथ इसमें 16 से 18 मार्च के बीच में इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और जो इसमें फीस है आप देख सकते हैं, बाई पेइंग ₹3,100, जिसमें कि एडमिशन फीस है 2,500 एंड पोर्टल फीस है 600, और एन एडिशनल लेट फीस ₹500 इफ़ द फॉर्म इज सबमिटेड इन बिटवीन 16 to 18 मार्च 2024। अगर 16 से 18 मार्च के बीच में अगर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तब एडिशनल ₹500 एडिशनल फीस इसमें लग जाएगी। और आपको कौन सी वेबसाइट जो है आप यहां से नोट कर सकते हैं, थ्रू mponline.gov.in पर जाकर आप ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट कम्प्लीटेड देयर पीजी डिग्री विथ 55% मार्क्स और 50% फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंशियली एबल्ड एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट एज पर द डिसीजन ऑफ UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। और आप यहां से देख सकते हैं, द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस टाइप्स जो रिटन टेस्ट होगा इसमें, और डेट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इज 31 मार्च 2024। और इसमें जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो 31 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम होगा। और आप यहां से सब्जेक्ट दे सकते हैं और वैकेंट सीट्स जो हैं, टेंटेटिव वैकेंट सीट्स। सब्जेक्ट है एनसाइट इंडिया हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 2 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में 2, बायोटेक्नोलॉजी में 20, बॉटनी में 13, केमिस्ट्री में 25, कॉमर्स में 20, कंप्यूटर साइंस में 10, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 10, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 2, अर्थ साइंस जियोलॉजी में 4, अर्थ साइंस रिमोट सेंसिंग एंड GIS में 3, इकोनॉमिक्स में 25, एजुकेशन में 40, इंग्लिश में 30, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में 5, जियोग्राफी में 6, हिंदी में 30, हिस्ट्री में 6 एंड होम साइंस में 14, लॉ में 25, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 13, मैनेजमेंट में 30, मैथमेटिक्स में 20, माइक्रोबायोलॉजी में 20, म्यूजिक में 2, फार्मेसी में 4, फिलोसफी में 4, फिजिकल एजुकेशन में 2, फिजिक्स में 10, पॉलिटिकल साइंस में 30, साइकोलॉजी में 6, संस्कृत में 14, सोशोलॉजी में 30, टूरिज्म मैनेजमेंट में 14, उर्दू में 2, जूलॉजी में 12। तो ये सब्जेक्ट है और वैकेंट सीट आप यहाँ से देख सकते हैं पीएचडी के लिए। और द एबव टेस्ट इज ओनली अ क्वालिफाइंग एग्जाम, पासिंग द टेस्ट डज नॉट गारंटी एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एंड एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ए कैंडिडेट शैल ऑर्डिनरली बी परमिटेड टू वर्क फॉर पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज ऑब्टेन्ड हिज हर मास्टर डिग्री। द नंबर ऑफ सीट्स मे बी वेरी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और कैंडिडेट क्वालिफाइंग GRF नॉट लेटर देन 2 ईयर्स UGC/CSIR आर एग्जेप्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि UGC या CSIR GRF एग्जाम क्वालिफाई किया है और जो पिछले नॉट लेटर देन टू ईयर्स, तो वो उन कैंडिडेट को ये एंट्रेंस टेस्ट से छूट दी जाएगी। और रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड द क्वालिफाइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट। और आप यहाँ से देख सकते हैं, पार्ट ए जो है सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा और जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। और पार्ट बी जो होगा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस ऑफ पार्ट ए एंड बी एज पर द फॉलोइंग लिंक, और आप यहाँ से लिंक के थ्रू सिलेबस देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to my channel for further notifications. So thank you very much.